नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग के जिस टॉपिक पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका नाम है जल प्रतिबिंब या फिर वाटर इमेज। जल प्रतिबिंब में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो नंबर्स पे होते हैं, लेटर्स पे होते हैं या फिगर्स पे होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेटर्स कैसे बनाए जाते हैं। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसको जो हम देखेंगे जल में तो दिखेगा कैसा, जैसे हम लोग किसी पानी के किनारे पे खड़े हैं, दूसरे किनारे पे कोई खड़ा है, पानी में उसकी इमेज पैर से शुरू होकर नीचे की तरफ दिखाई देती है। यानी कि हर चीज़ें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पलट जाती हैं। वैसे ही अल्फ़ाबेट अगर हम देखेंगे तो सभी पलटे हुए होंगे, जिसमें से कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो गए हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बी है, सी है, ई है, एच है, आई है, ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं जो पता नहीं चलते हैं। आप इस टेबल से देखकर समझ लीजिएगा कौन से लेटर को कैसा बनाते हैं। इसके अलावा नंबर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। नंबर्स को भी पलट दिया जाता है, जैसे इमेज में दिख रहा है ऐसे ही नंबर पलट कर दिए जाते हैं। और फिगर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले लेटर्स का एक क्वेश्चन हम करते हैं कि अगर हाइक को जल प्रतिबिंब बनाकर देखा जाए तो कैसा दिखेगा, तो ये पूरा अपोजिट पलट जाता है। तो ये वैसा ही दिखेगा जैसा आकृति एक में दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया जो ई है वो पलटने के बाद भी वैसा ही दिखता है जैसा वो होता है। तो इसमें एक ही ई है जो सीधा बना हुआ है, वो है ऑप्शन ए का। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं वो पलटने के बाद कैसे दिखाई देंगे। और अगर इस इमेज को पलट दिया जाए, हाइक को एक बार ऐसे खड़ा करके नीचे की तरफ पलट दिया जाए, जैसा दिखेगा वही इसका जल प्रतिबिंब होगा। मतलब कि चीज़ें एकदम सीधे ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हो जाती हैं। अगला जो प्रश्न है, इसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, पूछा गया है इनका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ई तो अपनी जगह पर जैसा रहता है वैसा ही रहेगा, तो सिंपली हम बता सकते हैं कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है वही इसका सही ऑप्शन है। आइए देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन में भी ई दिया गया है, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि ई, एच, आई, सी ये चीज़ें दी जाती हैं और ये वाटर इमेज में चेंज नहीं होती हैं। तो आप बड़ी आसानी से देख के बता सकते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन इसमें चेंज नहीं हुआ, इसका आकार जो है, तो वो है ऑप्शन ए में जो है ई चेंज नहीं हुआ अपनी जगह से। इसमें चीज़ें दाईं से बाईं और बिल्कुल नहीं जाती, चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं, बस ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही इसका उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है वो आकृतियों पर है। एक प्रश्न आकृति दी हुई है और उसके चार विकल्प दिए हुए हैं। प्रश्न आकृति को जल प्रतिबिंब अगर बनाया जाए तो कैसा दिखेगा, तो इसमें क्या होगा, ऊपर जो त्रिभुज दिया है वो नीचे आ जाएगा और नीचे जो सर्कल दिया है वो ऊपर चला जाएगा। बस इतना चेंज होना है। हाँ, त्रिभुज की जो डायरेक्शन है वो आपको याद रखनी है कि त्रिभुज का जो आगे का निकला हुआ हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ बना हुआ है चित्र में, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसा कौन सा विकल्प दिख रहा है, विकल्प बी ऐसा दिख रहा है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे आ जाता है आंसर में, बाकी दाएं से बाएं भी नहीं होता है और रोटेट भी नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें एक प्रश्न आकृति और चार उत्तर आकृतियां हैं। आपको बताना है कि इसकी कौन सी आकृति सही आकृति है। तो इसकी कौन सी आकृति सही आकृति हो सकती है, इसकी आकृति सी सही आकृति हो सकती है, क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल बना हुआ है वो ट्रायंगल पलट के कॉर्नर उसका नीचे की तरफ होगा, जो कि ए और सी में दिखाया गया है। पर इसमें दिखाया गया है ए में जो सर्कल का जो पार्ट डार्क किया गया है वो पलटा नहीं है, और सी में वो जो है नीचे की तरफ पलट गया है, इसलिए सी जो है सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इसके चार उत्तर आकृतियाँ देख के आपको बताना है कि कौन सा पलटने के बाद बना हुआ है। तो इसमें पलटने के बाद जाहिर सी बात है जो डबल एरो वाला बना हुआ है वो नीचे की तरफ आएगा, ऐसा चारों ऑप्शन में किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे इसके बीच में जो थोड़ा सा सर्कल और थोड़ा सा स्क्वायर बने हुए हैं छोटे छोटे,
वो भी तो अपनी डायरेक्शन से बदलेंगे, यानी कि ऊपर का नीचे आएगा। ऐसा किस में हुआ है? केवल दो आकृतियों में हुआ है। तो इसमें से उत्तर कौन सी आकृति होगी? बी होगी, क्योंकि ये जो पीछे वाला एरो है वो डबल वाले के साथ है, ये हमको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न आकृति के चार उत्तर आकृतियां हैं। तो वाटर इमेज का मतलब जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे आएगा, और नीचे का जो है वो ऊपर जाएगा। तो ऊपर का नीचे किस में आया है? जिसमें प्लस बना हुआ दिखाई दे, आकृति बी और आकृति डी में ऐसा दिखाई दे रहा है, जो ऊपर का प्लस नीचे बना हुआ है। और ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर इधर कोई चीज़ बनी थी तो वो आंसर में इधर ही बनी होगी, इधर वाला ये गलत होता है। तो इसमें आकृति बी और डी में आपको डिसाइड करना है। उसके बाद ये जो डार्क पार्ट है, पहले ये नीचे था, अब नीचे जब इमेज जाएगी तो ये डार्क पार्ट ऊपर हो जाएगा। तो डार्क वाला पार्ट ऊपर किस में है? इसमें है डी ऑप्शन में, क्योंकि सी ऑप्शन बी ऑप्शन में क्या है, ऊपर का पार्ट डार्क नहीं है, और ये इमेज पलटेगी तो डार्क पार्ट क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है लेटर्स पर। जितने भी टाइप होते हैं वाटर इमेज के, मैंने आपको सारे बताए हैं, बस एक बात याद रखनी है, जो चीज़ें ऊपर थी वो नीचे आएंगी बिना अपनी जगह बदले हुए। और इसमें कोड लिखा हुआ है, कोड को अगर वाटर इमेज बनाए, तो मैंने आपको बोला कि ई जो है वो जैसा दिख रहा है वाटर इमेज में वैसा ही दिखता है। तो इसलिए इसमें बाकी के तीन ऑप्शन में ई को चेंज किया गया है, ई का प्लेस चेंज किया गया है, इसकी डायरेक्शन चेंज की गई है। बस पहले ऑप्शन में ई वैसा ही है जैसा था, इसलिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आप जो अल्फ़ाबेट्स की मैंने इसमें टेबल दिखा रखी है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन से लेटर्स हैं जो पलट जाते हैं, कौन से लेटर्स जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मैंने वाटर इमेज के सारे टाइप इसमें कवर कर लिए हैं, और जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।